जिंदगी एक आशा है, गजब इसकी परिभाषा है। संवर गई तो जन्नत है और बिखर गई तो तमाशा है। संवर गई तो जन्नत है और बिखर गई तो तमाशा है। जन्नत कहो या स्वर्ग कहो, दोनों ही जीवन जीने के ढंग हैं। चाहे धर्म की किताबें पढ़ो, किसी भी मंदिर या मस्जिद में जाओ, एक शब्द हमें जरूर सुनने को मिलता है, वो है स्वर्ग या नरक। मैं जीवन की बुनियादी समझ ये देना चाहूंगा कि न तो हम ये समझें कि स्वर्ग कोई आसमान में है और न ही ये समझें कि नरक कोई पाताल में है। हो सकता है कि ये हो, ये स्वर्ग में भी हो और ये पाताल में भी हो, पर मेरी समझ से स्वर्ग और नरक ये दोनों ही जीवन जीने के अलग अलग ढंग हैं, जीवन जीने की अलग अलग शैलियां हैं। जिसने अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जिया है उसकी जिंदगी आज भी स्वर्ग है, और जिसने अपनी जिंदगी को लड़ते झगड़ते और चीखते चिल्लाते जिया है उसकी जिंदगी आज भी नरक है। जिसकी जिंदगी आज नरक है उस व्यक्ति को मरने के बाद भी नरक है, और जिसकी जिंदगी आज स्वर्ग है उसको मरने के बाद भी स्वर्ग है। कौन व्यक्ति स्वर्ग में गया है या नरक में गया है इसका फैसला यमराज पर मत छोड़िए, बल्कि इसका फैसला खुद अपने आप पर कीजिए कि मैंने अपनी जिंदगी स्वर्ग की तरह जी है या नरक की तरह। हां, मैं अपने आप के लिए इस बात के लिए गौरव महसूस करूंगा और मैं ये कहूंगा कि मैंने अपनी जिंदगी को स्वर्ग की तरह जिया है। ऐसा नहीं कि मरने के बाद मुझे स्वर्ग मिलेगा, हकीकत तो यह है मेरा हर अगला उठता हुआ कदम मेरे लिए स्वर्ग का ही उठा हुआ कदम होता है। नरक भला किसे पसंद है? है, पर स्वर्ग किसे पसंद है? हाथ खड़ा करके बताइए तो। हां, मुझे लगता है सभी लोगों को स्वर्ग तो पसंद है। सवाल यह है कि अपन कौन से वाले स्वर्ग में विश्वास रखें, मरने के बाद मिलने वाला स्वर्ग या जीते जी मिलने वाला स्वर्ग? कौन सा स्वर्ग चाहिए? हां, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मुझे मुक्ति चाहिए, पर ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए जो मरने के बाद मिले। मैं ऐसी मुक्ति में भरोसा रखता हूं जो मुक्ति मुझे जीते जी प्राप्त हो और जिसका आनंद मैं अपने जीवन में हर दिन हर पल अपने साथ जोड़कर रख सकूं, फिर चाहे वो जन्नत हो या मुक्ति हो। एक सम्राट के मन में ये बड़ी ही जिज्ञासा रहती थी कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। पहुंचा, अनेक अनेक ज्ञानी जनों के पास भी पहुंचा होगा, मगर उसे समाधान न मिल पाया। हमारी ओर से जब भी मानव समाज को संबोधन दिया जाता है उसके केवल दो ही उद्देश्य रहते हैं। पहला उद्देश्य होता है जीवन का निर्माण और दूसरा होता है समस्या का समाधान। तो गया था अनेक अनेक ज्ञानी जनों के पास और जाकर के अपनी जिज्ञासा रखी कि स्वर्ग क्या है और मुक्ति क्या है। सभी संतों ने वही बात कही, सभी पंडितों ने वही बात कही जो बात उनके शास्त्रों में लिखी हुई थी। पर एक जीवन का संत था। कुछ लोग शास्त्रों के संत होते हैं और कुछ लोग जीवन के संत होते हैं, और जो जीवन के संत होते हैं उनके समझाने के तरीके भी कुछ अलग ही होते हैं। आखिर जब उसे पता चला कि एक ऐसे ज्ञानी संत आए हैं जो बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से व्यक्ति को उसकी समस्याओं का समाधान दे देते हैं, तो गया उनके पास, जाकर पूछा कि भगवान जरा मुझे समाधान दीजिए कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है, जन्नत क्या है और जहन्नुम क्या है। संत ने सम्राट के चेहरे को देखा, थोड़ा सा मुस्कुराए और कहने लगे, भाई
मैं तुम्हें तुम्हारे इस सवाल का जवाब दूं, उससे पहले तुम अपना जरा परिचय तो दे दो कि तुम हो कौन। बोले मैं इस पूरे राज्य का सम्राट हूं, भारत का बादशाह हूं। संत ने कहा, क्या बात करते हो, तुम कहीं से नहीं लगते सम्राट। तेरे चेहरे को देखकर और चेहरे की भाव भंगिमाओं को देखकर तो लगता है कि तुझसे तो भिखारी भी कहीं ज्यादा अच्छा होता होगा। यह सुनना था कि सम्राट की त्योरियां चढ़ गई। झट से म्यान में से तलवार बाहर निकाली और कहा, संत अगर तुम कोई संत ना होते तो तेरी इस कड़वी जबान के कारण मैं तेरी जबान खींच लेता, तेरा शरीर धड़ से अलग कर देता, पर तुम ठहरे संत। संत ने कहा, बड़ी गर्मी है तुझमें, तो तेरी तलवार में धार भी है। यह सुनना था कि सम्राट ने झट से तलवार बाहर निकाली, बगल में ही पेड़ खड़ा था उसकी एक डाल पर जोर से तलवार मारी और डाल टूट करके नीचे गिर गई। ओ तो तेरी तलवार में धार भी है, महाराज धार तो इतनी तेज है, आपने देख ली है, अब कहो तो आप पर एक चला के दिखा दूं। यह सुनना था कि संत ने कहा, ओ नरक का द्वार तो खुल गया, नरक का दरवाजा तो खुल गया। वो चौंका, बोले नरक का दरवाजा, कौन सा नरक का दरवाजा। राजा चिंतनशील व्यक्ति था, प्रबुद्ध था, उसे पल भर में अंदर में एक झटका लगा और वो समझ गया कि ओ तो ये 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 इसके जवाब देने का एक तरीका हुआ इस संत का। इसने कहा कि नरक का दरवाजा तो खुल गया। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सम्राट ने झट से कहा, सॉरी संत प्रवर, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं, सॉरी संत प्रवर। और ये कहते हुए संत के चरणों में झट से झुक गया और जैसे ही झुका बोले, सॉरी संत प्रवर, सॉरी। संत ने आगे बढ़कर उसे उठाया और कहा, लो तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाजा भी खुल गया, तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाजा भी खुल गया। और ये कहते हुए उसे ऊपर उठाकर गले लगाया और गले लगाते हुए कहा कि क्या तुम्हें समझ में आ गया कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है, स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। सम्राट ने कहा, भगवान मैं कुछ कुछ तो समझ गया, अगर हो सके तो थोड़ा सा मुझे और समझा दो। ज्ञानी संत ने कहा, ऐ सम्राट, इंसान जब जब भी अपने जीवन में किसी के भी दो हल्के शब्दों को सुनकर अगर नेगेटिविटी अपने भीतर ले आता है और गुस्सा अपने भीतर किसी के प्रति आक्रोश पैदा कर लेता है, तब तब इंसान अपने लिए नरक का दरवाजा खोल लेता है। और जब भी प्यार और मोहब्बत से किसी के प्रति विनम्र हो जाता है और झुक करके अपनी ओर से क्षमा मांगने को तैयार हो जाता है, उसी समय उसके लिए स्वर्ग है, स्वर्ग है, स्वर्ग है। वहां किसी यमराज को बुलाने की जरूरत नहीं होती, धर्मराज को बुलाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि इंसान का हर अगला कदम उसके लिए एक दरवाजा खोलता है। अब ये हमें तय करना है, मैं अपने लिए स्वर्ग का दरवाजा खोलता हूं या नरक का दरवाजा खोलता हूं।